माथे पर केसरिया टीका। कान में कुंडल और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। मंदिरों के परिसर में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी। और मंदिर की दहलीज लानते ही राजयोगी। सत्रह के पहले तो पर्व और त्योहार भी हम ठीक ढंग से नहीं मना पाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, दंगा शुरू हो जाता था। 17 के बाद कोई दंगा हुआ है क्या? कोई दंगा कर पाएगा क्या? कदकाठी में सामान्य दिखने वाली इस गैर मामूली शख्सियत का नाम है योगी आदित्यनाथ। नाथ संप्रदाय के अगुआ, गोरक्ष पीठ के महंत और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिधर से निकले उधर ही मच जाए जिनके नाम का शोर। जिनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े बड़े बूढ़े और नौजवान। जिन्हें देखने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं छतों और झरोखों से लगे झांक में। वो शख्स ना तो सामान्य योगी है और ना ही सामान्य महंत। वो शख्स ना तो सामान्य नेता है और ना ही सामान्य मुख्यमंत्री। कुछ तो ऐसी बात है जिसका मुरीद भले ही उत्तर प्रदेश हुआ लेकिन जिसकी धमक पूरे भारत में सुनाई पड़ने लगी। उन्होंने वोट बैंक का किसी प्रकार के का रूप या स्वरूप नहीं दिखाया। वो जैसे थे वैसे ही उन्होंने रहा और जैसे थे संस्कृति की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते, तो उसमें कोई भय उन्होंने नहीं दिखाया। योगी से महंत और फिर सांसद विधायक तक के सफर में उनके नाम के साथ साथ एक शब्द खुद ब खुद जुड़ गया, महाराज। जब सिर पर कोई ताज नहीं था तब भी महाराज। जब सिर पर जिम्मेदारियों का ताज रखा गया तब भी महाराज। संस्कृत का एक शब्द है महाराज का जो अत्यंत सम्मान सूचक कहा जाता है, जैसे परम भट्टारक एक शब्द है, तो परम भट्टारक योगी जी का जो उनके अवैधनाथ जी थे, उनके गुरु जी थे, उनको परम भट्टारक भी कहा जाता था। वो कल्याण करने के लिए है, कल्याण के अतिरिक्त स्वस्वार्थ के लिए नहीं है, इसलिए उनको महाराज कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ जन्मजात योगी नहीं लेकिन उनकी जिंदगी का सफर कर्म पथ पर इस तरह बढ़ा कि एक मामूली इंसान से वो योगी, राजयोगी, फिर छोटे महाराज और अब महाराज जी जैसे विशेषणों से नवाजे जाते चले गए। विचारों में हिंदुत्व और सीने में राष्ट्रवाद की आग उन्हें इस रास्ते पर आगे बढ़ाती रही। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। बहते पानी की तरह रमते योगी की कहानी बेहद अलग है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से शुरू हुई। 5 जून 1972 को पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के घर में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। सात भाई बहनों में माँ बाप की पांचवी संतान अजय भी दूसरे बच्चों की तरह घर के लाडले थे, जिनके बारे में आनंद सिंह बिष्ट ने कई बार खुलकर बात की थी।
ये बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे और मतलब है कि कहते थे कि मैंने जनता की सेवा करनी है, और उसका ये हुआ कि वो योगी बन गए। हमें तो खैर परिवार में इतनी बहुत खुशी है कि वो अपने पथ में सही चल रहे हैं। तब तक किसी को पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश और समाज के हित के लिए घर का चिराग घर वालों को ही छोड़कर संन्यास ले लेगा। मैं आदित्यनाथ योगी। योगी आदित्यनाथ के पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पूरा गांव खुश था, घर में बधाइयों का तांता लगा था, बहन के कलेजे में ये हूक तब भी उठी थी, फिर तो लाख छुपाने की कोशिश के बावजूद आंखें छलक पड़ी और गला रुंध गया। बहुत याद है। पहले खेलते थे, मारपीट होती थी, उनको मतलब समझाते थे, बहुत अच्छा लगता था मतलब परिवार में। जब वो यहाँ से चले गए बहुत दुख हुआ उस समय। कोई ऐसा किस्सा जो याद होगी बहुत ज्यादा? अजय सिंह बिष्ट महज 22 साल की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए। हालांकि योगी बनने से पहले वो पढ़ाई लिखाई में होशियार छात्र थे। 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। उन्होंने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया। 1993 में एमएससी की पढ़ाई के लिए वो गोरखपुर गए। छात्र जीवन में ही अजय सिंह बिष्ट राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे। गोरखपुर उनका आना भी एक इत्तफाक ही था। वो बीएससी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने आए थे, जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई। ये सिलसिला ऐसा चला कि महंत अवैधनाथ के संपर्क में उनका रुझान धर्म कर्म की तरफ बढ़ता चला गया। तभी उन्होंने महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर योगी बनने की इच्छा जताई, जिसके लिए उन्हें माता पिता से अनुमति लेने की शर्त पूरी करनी थी। वो गोरखपुर से पौड़ी गढ़वाल गए और माता पिता से मिलने के बाद निकल पड़े गोरखपुर, फिर कभी अपने घर न लौटने का संकल्प लेकर। योगी बनने की उनकी इच्छा 15 फरवरी 1994 को पूरी हुई। उसी दिन उनका नाम भी अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया, क्योंकि सन्यास की यही शर्त होती है। कोई सन्यासी अपनी पुरानी पहचान क्या, अपना पुराना नाम भी साथ नहीं रख सकता। 93 में ऐसा चुनाव में आए थे प्रचार में, पहले प्रचार किया उन्होंने, और प्रचार के बाद वो जाने लगे। अपनी माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ, गोरखपुर जा रहा हूँ। माँ ने टिकट दे दी, सर कोई नौकरी जा रहा होगा। मैं सड़क तक छोड़ने गया, प्याज में गोरखपुर में जाने चले गए। क्या कहना, जवान बच्चा था, गोरखपुर चले गए। वो अब अवैधनाथ जी के साथ गए वहाँ गोरखपुर में, और 1994 में उनका अभिषेक हो गया बसंत पंचमी के दिन। मुझे 3 महीने बाद पता लगा, तब गया वहाँ। मैंने कहा क्या कर दिया तुमने, पिता कैसे बात है, अब आशीर्वाद में अब पता लग रहा है सब कुछ आशीर्वाद था। योगी आदित्यनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से है, जो मानता है कि एक सन्यासी को देशित में धर्म राजनीति और संकट के समय आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिसका दर्शन है एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर इसी सोच ने महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी कर दी। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने 1998 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और महज 26 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। संन्यास लेने से पहले अजय नाम से पुकारे जाने वाले योगी अब तक की राजनीति में अजय ही रहे। 42 साल की उम्र तक वो गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद बनने का कीर्तिमान रच चुके थे। अपनी छवि, अपने काम और अपने फैसलों से आदित्यनाथ ने गोरखपुर को भगवा राजनीति के ऐसे सियासी दुर्ग में बदल दिया जिसे ना तो मुलायम सिंह का समाजवाद भेद पाया और ना ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ही यहाँ
काम आए। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आदित्यनाथ योगी राजनीति के हर जोड़ तोड़ पर उनके आक्रामक तेवर वाली अपनी खुद की बनाई राजनीतिक पहचान भारी पड़ी। गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी छवि हिंदू हृदय सम्राट की बन गई, जिसका शहरों कस्बों और गांवों तक विस्तार करने में उन्हीं के बनाए संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने बड़ी भूमिका निभाई। हिंदू युवा वाहिनी एक राष्ट्रवादी मिशन के साथ लगी हुई है। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र को हम लोगों ने अपने मिशन का हिस्सा बनाया था और लगातार काम कर रहे हैं। एक कहावत है कि शेर खुद अपनी ताकत से जंगल का राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते, लेकिन लोकतंत्र में अपनी छवि काम और जनसमर्थन से ही कोई लोकनायक का रुतबा हासिल करता है। योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक जीवन में इसे साबित कर दिखाया। सांसद रहते उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कई विवादों से घिरे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो डिगे नहीं, वो हिले नहीं। जनता को हो रही परेशानियों की वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आए तो लोकतंत्र के मंदिर में। वादे पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो कई सारे चेहरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन सहमति योगी आदित्यनाथ के नाम पर बनी और 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले योगी राजनीति को सियासी धर्म की तरह जी रहे हैं। रोज की तरह उनकी सुबह 3 बजे से शुरू होने वाली दिनचर्या देर रात तक चलती है और पूरा दिन ताबड़तोड़ एक्शन में बीतता है। अवैध बूचड़खानों से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड, बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर पॉलिसी तक उन्होंने सख्त प्रशासक की छवि बनाई और जब दुनिया को थामने वाला कोरोना का दौर आया तो अपनी सक्रियता से गरीबों को वैक्सीन लगवाने से लेकर राशन बंटवाने तक में मुस्तैदी दिखाकर उन्होंने संवेदनशील राजनेता की छवि को भी गहरा किया। योगी राज में बिजली, सड़क, पानी के मोर्चे पर राज्य में बेहतर काम होने के दावों पर सवाल नहीं उठे। राम मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या में दीपावली और दंगा मुक्त यूपी के दावों से योगी आदित्यनाथ की ऐसी धमक बनी कि योगी बीजेपी के लिए यूपी ही नहीं हिंदुस्तान के स्टार प्रचारकों में शामिल हो गए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है YOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि सत्ता निरंकुश बनाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कभी सत्ता को अपने सिर पर सवार नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी नीति और नियत तय करते वक्त खुद पर सन्यासी होने का अंकुश लगाए रखा और उसी की मिसाल चुनाव प्रचार के दौरान दिखी। योगी राज पर सवाल उठाने वाले विरोधी नेताओं की हिम्मत नहीं हुई कि वो योगी आदित्यनाथ पर कोई निजी लांछन लगा सके। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.